चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग और एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे रमेश हम लोग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है ये थोड़ा देखते हैं हम लोग। देखिए इसकी एक पहली शर्त क्या होती है कि जो रे है वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जानी चाहिए। क्यों जानी चाहिए अभी आपकी समझ में आ जाएगा। ये देखिए मीडियम बनाते हैं हम लोग, किसे कह देते हैं डेंसर मीडियम, और ये कौन सा मीडियम है रेयरर। अब आप जानते हैं कि अगर डेंसर से रेयरर मीडियम में कोई रे जाती है तो जानी चाहिए सीधी, लेकिन सीधी नहीं जाएगी, किधर जाएगी, अबे ये चली गई थोड़ी सी हट के इधर, ऐसे ही जाती है। अब हमने क्या किया, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा दिया, तो क्या करेंगे ये अब जानी चाहिए ऐसे, तो ये चली जाएगी और घूम के ऐसे भागेगी इधर। अब आपने क्या किया, एक और एंगल ऑफ इंसिडेंस लेके आए इस तरीके से यहां पर, और ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस बना कि जो निकलने वाली रेज है वो इसकी बाउंड्री से निकल गई है, ना इधर ना उधर, जहां से दोनों का डिमार्केशन था डेंसर, जो सेपरेशन पॉइंट था, जो सेपरेशन बाउंड्री थी, वहां से रे पास हो गई। अब इससे ज्यादा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं आप तो फिर क्या होगा, अगर इससे ज्यादा आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा देते हैं तो आप क्या देखेंगे कि ये उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाएगी, उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाएगी और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, यानी आई इज इक्वल टू आर, देख रहे हैं, यानी मीडियम अलग होने के बाद भी ये सेम मीडियम में चली आई। ठीक, अब इस पूरी कहानी को एक बार एक चीज में बांध देते हैं हम लोग। क्या समझते हैं कि हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते चले गए, जब शर्त पहले क्या थी डेंसर टू रेयरर, अगर मीडियम रेयरर टू डेंसर है तब ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि रे इधर भागती नहीं अंदर की तरफ आती, तो ये हो ही नहीं पाएगा। तो पहली शर्त क्या है, डेंसर टू रेयरर होना। तो डेंसर टू रेयरर होने पर जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते गए तो एक ऐसा एंगल जिसके लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 बन जाए, ये 90 तो है, ये 90 बन जाए, यानी बाउंड्री से निकल जाए वो, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, उस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, आईसी से लिखते हैं या कई लोग सी से लिखते हैं, अभी उसके दो लाइन लिख भी देंगे। तो क्रिटिकल एंगल क्या हुआ, क्रिटिकल एंगल वो एंगल हुआ कि जब कोई रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो वो इंसिडेंस एंगल जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो। ठीक, उसके बाद अगर आपने क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस कर दिया, सपोज फॉर एग्जांपल ग्लास के लिए मोटे तौर पे 41 डिग्री का एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल होता है, 41.19 क्राउन ग्लास के लिए, तो 41 अगर होता है, आपने 45 कर दिया, 44 कर दिया, 43 कर दिया, इससे ज्यादा कर दिया मतलब, तो क्या होगा, तो वापस रे उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाएगी, और इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होने लगा, इंटरनल मतलब वापस उसी में बाउंस बैक कर गई। टोटल क्यों, क्योंकि ये खास चीज से बाउंस बैक करती है, जितनी एनर्जी लेके आती है लगभग उतनी एनर्जी लेके बाउंस बैक करती है। ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें एनर्जी का डिसिपेशन या वेस्टेज ऑफ एनर्जी लगभग नहीं होती, 100% डालते हैं तो 100% वापस चली जाती है। इतना सुंदर फिनोमिना है और इसको बहुत अच्छी तरह यूज भी कर रहे हैं आजकल, हम बताएंगे, आप जानते ही हैं ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर, अभी उसका भी एग्जांपल लेंगे हम लोग। तो बात समझ में आई कि क्रिटिकल एंगल किसे बोलना है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, आई बात समझ में। ठीक है, दो दो लाइन लिख लेते हैं जिससे दो महीने बाद भी आप पन्ना पलटे तो बात समझ में आ पाए। ये देखिए ये जो बातें लिखी हुई हैं, ये जो बातें हमने अभी आपको समझाई वही बातें हमने मेंशन कर दी हैं कि आप दो महीने बाद भी इसको जब पन्ना पलटें तो कही हुई बातें याद आ जाएं। तो ये हमने एक तरफ लिख दिया है कि क्रिटिकल एंगल किसे बोलते हैं, डेंसर टू रेयरर मीडियम में जब आप जाते हैं वो इंसिडेंस का एंगल जिसके लिए रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाए। TIR क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन,
जब आप क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा का एंगल ऑफ इंसिडेंस कर देते हैं डेंसर टू रेयर मीडियम में, तो क्या होता है, रे बाउंस बैक कर जाती इन द सेम मीडियम, वापस उसी मीडियम में चली जाती। ठीक, एक चीज़ ये ज़रूर है कि जब वो मीडियम में जाती है, जब वो इस मीडियम में जाती है तो मोस्ट ऑफ द एनर्जी लेके जाती है इन TIR, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, या TIR में जब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे लिख दीजिए चाहे उसी के साथ, एनर्जी इज अप्रॉक्सीमेटली सेम। एक ही नेचर का बहुत ही सुंदर फिनोमिना है कि इसके अंदर जो एनर्जी है वो पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, वेस्ट नहीं होती, डिसिपेट नहीं होती कहीं। ये बड़ी इसकी खूबी है TIR की, तो इसे TIR बोलते हैं। अब इसके कुछ रिलेशनशिप जो हमको पढ़नी है, तो रिलेशन ऑफ सी विथ म्यू, रिलेशन ऑफ सी विथ म्यू। निधि, सी क्या है और म्यू क्या है, कौन सा इंडेक्स? रिफ्लेक्टिव नहीं है, रिफ्रैक्टिव है, रिफ्रैक्शन में आ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए, साइन आई अपॉन साइन आर, ये वैल्यू क्या हुआ करती थी, इस केस में आई हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस सी, और रिफ्रैक्शन वाला हो गया आर 90, और ये बराबर किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम। ये वैल्यू बनी, ये वैल्यू बनी आपकी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम। अब आगे चलते हैं, देखते हैं, तो म्यू आर डी क्या हो गया यहाँ पर, ये साइन 91 होता है तो साइन सी आ गया। ठीक, अब देखिए, अगर हम इसका ले लें जैसा हम जानते हैं, इसको हम उल्टा कर दें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम, तो इसे क्या लिख देंगे, 1/sin c, उल्टा हो जाता है ना। और इस फॉर्मूले को या इस रिलेशनशिप को हम लोग याद रखेंगे, बहुत जगह यूज होता है ये, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम, और क्या वैल्यू बनने वाली है, 1/sin c, व्हाट इज सी, सी इज द क्रिटिकल एंगल। तो इस तरीके से ये वैल्यू बनी। अब एक छोटा सा क्वेश्चन जो आप हमें उम्मीद है ज़रूर बता लेंगे, उससे पहले हम कुछ वैल्यूज लिख देते हैं। वाटर के लिए कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल, ग्लास के लिए लिख देते हैं, डायमंड के लिए लिख लेते हैं, तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी वाटर के लिए 1.33, सी कितना हो गया 48.75, क्राउन ग्लास कितना हुआ 1.52, और सी हुआ 41.14, डायमंड के लिए कितना हुआ 2.42, और सी कितना हुआ 24.41। ये कुछ वैल्यूज हैं जिनके लिए म्यू और सी कितना कितना होगा, ये आपके सामने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। तो चलिए, हम बात ही कर रहे थे, यहाँ देखिए दो हमने वैल्यूज लिखी हुई हैं, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, दूसरे का है 2.3, दोनों में एक में I1 है एक में I2 है। अब ये सवाल हमारा शालू से है, शालू ये I1 ये I2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 2.3, किसमें क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा, I1 बड़ा कि I2 बड़ा, दोनों ही केस में क्या हो रहा है, रे इधर से जा रही, I1 बड़ा कि I2 बड़ा, I2 बड़ा, I2 कैसे बड़ा,
हाँ वेरी गुड गुड, पकड़ लिया इसने। तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है, अगर साइन सी, अगर ये म्यू बड़ा तो सी छोटा, उल्टा इनवर्स। इसका मतलब अगर ये बड़ा तो ये छोटा, तो हमारा आई टू क्या होगा, छोटा होगा। बात समझ में आई, यही बोला था ना तुमने, तो आई टू आई वन से छोटा होगा, ये आप समझ गए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसमें दो फिनोमिना हम लोग देखेंगे, एक बहुत फेमस है क्लास 9-10 से चला आ रहा है फिनोमिना, मिराज। आप पढ़ते रहे बहुत बार और कई बार पढ़े होंगे मिराज। तो मिराज क्या होता है, आपने नाम भी सुना है काम भी सुना है, तो आप जानते हैं ना मिराज में, जिसे हिंदी में बोलते हैं मृग तृष्णा। तो जब आप रेगिस्तान में होते हैं, डेजर्ट में होते हैं, सड़क पे भी दिख सकता है, कहीं भी दिख सकता है आपको। देखिए दिखने में क्या खासियत है उसमें, समर डेज में, हॉट डेज में जब गर्मी पड़ रही होती है कसके, तो उस समय हमको ऐसा उसमें आभास होता है कि पानी पड़ा हुआ है, और पानी होता नहीं वहाँ। अब ये एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पानी की पहचान हम कैसे करते हैं, ये ध्यान आपने नहीं दिया होगा, हम पानी की पहचान करते हैं चमक से। चमक का फिजिक्स में मतलब है रिफ्लेक्शन। अगर रिफ्लेक्शन कोई चीज़ दिखाती है, जब भी हम लोग बचपन से पैदा होने के बाद से आपकी एज की बात करते हैं, हमारी तो काफ़ी ज़्यादा हो रही, तो 16-17 साल की रेंज में अगर आप आए हैं, तो आपके ब्रेन ने क्या ट्रेनिंग मिली है आपको, कि पानी में जब छत दिखती है या पानी में जब आसमान दिखता है तो बोलते हैं पानी पड़ा है, रिफ्लेक्शन। अगर कहीं पानी पड़ा है टाइल्स पर और आपको रिफ्लेक्शन ना दिखे तो आप फिसल के गिर जाएंगे, गिर सकते हैं। फिर कहते हैं क्या हुआ भाई, तो आप कहते हैं पानी दिखा नहीं। तो पानी तो कभी नहीं दिखता, वो तो रिफ्लेक्शन दिखता है, पानी तो ट्रांसपेरेंट होता है। तो फिजिक्स में कैसे पानी देखते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन, छत का रिफ्लेक्शन, किसी भी चीज़ का रिफ्लेक्शन तो पहचान जाते हैं, आसमान नीला है, नीला रिफ्लेक्शन, पानी थोड़ी नीला है, तो रिफ्लेक्शन से हम पहचानते हैं कि यहाँ पानी पड़ा हुआ है। यही जब काम किसी वजह से में रिफ्लेक्शन दिखने लगता है ना, तो हम बोलते हैं पानी है वहाँ, और पानी वहाँ होता नहीं। तो हम बात करते हैं मृग तृष्णा या मिराज की। मिराज में आप समझ लीजिए ये पेड़ लगा हुआ है, जो फेमस कहानी चलती है, यहाँ पर कोई बंदा है, पैदल चल रहा है, गाड़ी पे सवार है, ऊँट पे बैठा है, रेगिस्तान में घोड़े पे बैठा, घोड़ा तो रहता नहीं रेगिस्तान में, तो कहीं कोई बात नहीं, कहीं पे भी है जैसा वो, ठीक। तब होता क्या है, तो होता क्या है कि जब गर्मियां पड़ती हैं, अंशिका शर्मा, जब गर्मियां पड़ती हैं तो गर्मी पड़ने से ये जो रोड है ये तपने लगती है, इसका टेम्परेचर क्या होता है, हॉट। ऊपर क्या होता है, कूलर लिख देते हैं, कूल, ये एकदम गर्म हो जाता है। जैसे सड़कों में आपने कहा, सड़कों में यहाँ भी दिख जाता है कभी कभी, है ना, तो सड़क एकदम गर्म हो गई, तपने लगी, और ऊपर क्या हो गया, कूल। अगर नीचे गर्म है तो जब गर्म होगा तो एयर डेंसर होगी, रेयरर होगी, रेयरर होगी, तो ये बन जाती है यहाँ की एयर कैसी, रेयरर, और यहाँ की कैसी बन जाती है, डेंसर। अब यहाँ से रे चली तो ये रे सीधे नहीं चलती हैं, डेंसर टू रेयरर आ रही ना, तो इसमें क्या होता है, ये डिविएट होते जाती हैं, और डिविएट होते होते एक जगह आके इसमें TIR हो जाता है, तो ये घूम जाती हैं, मतलब ऐसे हम पूरा हर स्टेप पे घुमा नहीं रहे, ऐसे रे चलेगी ना, तो मान लीजिए रे ये 90 बनाया हमने, ये रे पड़ी, तो ये रे सीधे नहीं निकलेगी, कैसे होगी, हॉट एयर है ना, रेयर थोड़ी भागेगी ऊपर से, ऐसे रे आई तो ऐसे ना जाके ऐसे जाएगी, तो ऐसे जाते जाते यहां तक आई रे, और फिर घूम के कैसी चली गई, ऐसी, और ऐसी रे दूसरी क्या हुई, ऐसी रे दूसरी चली गई, और इन दोनों को पीछे अगर बढ़ा दिया गया तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमें पेड़ का रिफ्लेक्शन नजर आने लगा। इसको एकदम स्ट्रेट बनना चाहिए, जो डायग्राम में नहीं बन रहा है आप इसको डायग्राम में सीधे स्ट्रेट बना सकते हैं।
ये डेंसर ही रेयरर, हमने देखा है ना डेंसर टू रेयरर में टोटल इंटरनल फ्रिक्शन होता है, और वैसे भी डेंसर टू रेयरर में अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल ऐसे चली जाती है वरना सीधे तो नहीं गई, ऐसे खसकते ही गई, और खसकते खसकते इसका क्या हुआ, आई एक समय ऐसा आया कि सी से बराबर, और फिर बड़ा हो गया, उसके बाद बड़ा हो गया तो क्या करेगी, वापस बाउंस बैक कर गई, और ये करते करते आदमी तक पहुंची। अब जो इंसान देख रहा है, जिस भी किसी गाड़ी में बैठा है, ऊंट पे बैठा है, पैदल चल रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसको क्या लगेगा, वो तो बैक ट्रैक करता है, तो बैक ट्रैक जब उसने किया तो उसको पेड़ कैसे नजर आया यहां। अब यहां जब पेड़ का रिफ्लेक्शन नजर आया तो क्या समझेगा, पानी है, और पानी है नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्शन को क्या हम मानते हैं, सड़क पर रिफ्लेक्शन अगर दिखने लगे तो क्या समझेंगे, पानी है। और ऐसा आपने कहा यहां भी दिख जाता है कभी कभी समर डेज में, तो दिख जाता है तो क्यों दिख जाता है, क्योंकि लगता है पानी है, रिफ्लेक्शन दिखता है अपने को, चमक दिखती है, तब सोचते पानी है, जो पानी नहीं निकलता, तो दिस इज मिराज, समझ पा रहे होंगे ठीक। अब दूसरी एक इसमें जो बात निकल के आती है वो होती है, जिसका हम लोग भरपूर यूज कर रहे हैं आजकल, वो है ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर जो इंटरनेट, आप भी रिलायंस जियो वाले ने साल डेढ़ साल पहले यहाँ पे खूब डाले हैं, आपने देखा खूब पूरी पूरी कॉलोनी में खुदाई चल रही थी और पाइप मोटे मोटे डाले जा रहे थे, देखा होगा आपने हर जगह रिलायंस जियो वालों ने डाले थे डेढ़ साल पहले। तो ठीक है, दो साल पहले ही सही, वो पॉइंट नहीं है, पॉइंट है कि आपने देखा है। तो देखिए, सुनिए सुनिए बात, थोड़ा ध्यान दीजिए। अब ये ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ऑप्टिकल फाइबर। देखिए ऑप्टिकल फाइबर में ये शीशे का बना होता है, ग्लास का, ग्लास किससे बनती है, सिलिका, और सिलिका किससे बनती है, रेत से, है ना, तो रेत से बनती है सिलिका और सिलिका से बनता है ग्लास, तो ज़्यादा कोई बहुत कीमती चीज़ नहीं है ये, लेकिन टेक्नोलॉजी महंगी है इसलिए महंगा आता है अभी ये। अभी हमारे यहाँ भी जो इंटरनेट लगा है वो भी कैसे आया, ऑप्टिकल फाइबर से। तो उसमें क्या रहता है कि आपकी स्पीड बड़ी अच्छी मिलती है, डाउन टाइम नहीं मिलता, ठीक है। और बड़े बड़े कंट्रीज में ऑप्टिकल फाइबर ही चल रहा है आजकल, वायरलेस के अलावा, वायरलेस वाला उतना भरोसेमंद नहीं रहता, उसमें कई भी कई चीज़ घूमती फिरती रहती है। तो होता क्या है, ये आपने लिया ग्लास, देखिए इधर ये ग्लास जो लेते हैं ये बनाया मोटा है एकदम, हम लोग जो ग्लास का बनाते हैं ऑप्टिकल फाइबर, फाइबर मतलब रेशे, तो एकदम समझ लीजिए बाल से भी पतले रेशे बनाते हैं, पतले पतले। हमारे पास एक वायर था, ढूंढना था भी मिला नहीं, नहीं दिखाता आपको, मुझने भी कभी ऑप्टिकल फाइबर काट के नहीं देखा था, तो एक बार मेरे यहाँ लगाने आया तो मैंने उससे एक मीटर ले लिया था, तो कई टुकड़े करके काट वाट के देखा था कि क्या है, तो हम भी दिखाते हैं आपको। तो जब ये ग्लास आप बाल से भी पतला ले लेते हैं, फाइबर टाइप महीन एकदम, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, 100% फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, लेकिन नॉर्मल मोड़ने पर टूटता नहीं, लेकिन अगर दबा देंगे एकदम क्रश कर देंगे तो टूट जाएगा, नॉर्मल मोड़ेंगे थोड़ा बहुत आधा पौन तो नहीं टूटेगा, लेकिन एकदम उसको मान लीजिए दबा के एकदम मुट्ठी में दबा देंगे तो टूट जाएगा, वो होता ग्लास है ठीक। तो ग्लास उसी रेशे को, उसी फाइबर को हमने मोटा बनाया समझाने के लिए। अब इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम की और शीट चढ़ा देते हैं चारों तरफ, ये समझ लीजिए ऐसा है, ठीक, ये अंदर ग्लास है और ग्लास के बाद ये दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम, मीडियम नंबर टू, दिस इज ग्लास, ठीक। अब हमें मालूम है कि ग्लास का भी हमने लिखा था क्रिटिकल एंगल कितना, 41 के आसपास, 41.19। अब यहां पर ये देखिए नॉर्मल डाली और हमने एंगल कितना कर दिया, 85, ये एंगल तो गिनते हो, इसको कर दिया 87, खूब ज़्यादा 90 करेंगे तो बिल्कुल सपाट हो जाएगी, ठीक, तो 87, 86, 88 जहाँ तक कर पाए और इसको भेज दी। अब अगर भेजी तो यहाँ क्या फिनोमिना होने वाला है, अंशिका शर्मा, TIR होगा, यानी ये इधर रिफ्रैक्ट नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी, क्योंकि TIR हो गया और 42 से ज़्यादा एंगल है क्रिटिकल एंगल से, तो ये पलट के यहाँ क्या करेगा, वापस बाउंस बैक कर जाएगा, इधर रिफ्लेक्ट हो गया ना, रिफ्लेक्ट किया तो फिर नॉर्मल देखा और फिर ये एंगल कितना हमको मिला, फिर मिला 85।
तो क्या हुआ, इधर आएगा नहीं, फिर इधर चला गया, गया। अब ऐसे ऐसे हमने इसको घुमा दिया ऐसे, तो ये रे कहां गई, ये देखिए घूमते हुए, जैसे पानी में पाइप बहता है उसी तरह आप लाइट को पानी में फ्लो करा रहे, पाइप में फ्लो करा रहे, कितना मजेदार है। अगर यहां पे लाइट चाहिए, सनलाइट, और हम नहीं खड़े हो तो वहां पाइप बाहर लगा दे, बड़े बड़े ऑप्टिकल फाइबर्स सूरज में छत पर, और यहां पे सूरज की रोशनी फर्स्ट क्लास मिलेगी, कहीं और से नहीं आएगी। जैसे पानी लेते हैं अपनी टैप चाहिए तो क्या करते हैं, वायर नल लगा देते हैं, जीआई पाइप, पाइप जो भी है, और यहाँ टोटी लगा देते हैं टैप, और अपना पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। मशीन ने बाथरूम में जहाँ मनचाहा बनाई है वहाँ प्लम्बर पहुँचा देता पाइप से। तो अगर आपका एक ऐसा कमरा है जहाँ पे गुप्त अंधेरा हो जाता है, घर में ऐसा पोर्शन आ गया है, आप वहाँ लाइट चाहते हैं, तो देयर इज ए टेक्निक जहाँ पे सनलाइट पहुँच जाए। हाँ, उसके लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा, इंजीनियरिंग लगेगी, वो पाइप डाल देगा ऐसे, तो पाइप क्या करेगा, लाइट को फ्लो करा देगा पाइप। मतलब सीधी कितनी इंटरेस्टिंग बात है ये, लाइट पड़ी और घुमा वहाँ के जहाँ चाहे वहाँ ले जाएं, जैसे पानी ले जाते हैं वैसे लाइट ले जाइए आप, ला के छोड़ दीजिए जहाँ पे आपको एंड चाहिए, वो पानी निकलता है वो लाइट निकलेगी वहाँ से, कितना मज़ेदार। तो आपने इस काम में क्या किया, लाइट को ट्रैप कर लिया उसके अंदर, और लाइट हमेशा इसके अंदर है, जहाँ इसको ले जाना है लेते जाइए। ये जो फाइबर है बहुत ही पतला होता है, इसको जब हम बनाते हैं तो गुच्छे बनाते हैं इसके। जैसे आपने आपने अगर ऑप्टिकल फाइबर कभी देखी होगी तो जो बड़ा पाइप रहता है उसमें छोटे छोटे ऐसे रहते हैं, एक छोटा बंडल रहता है, इसमें 100-200 फाइबर रहते हैं, बहुत पतले होते हैं ना, तो जरा से में इस उंगली के बराबर में 200 आ जाएंगे, शायद और भी आ जाएं, और एक फाइबर से एक टेलीफोन कनेक्शन लग सकता है। तो अगर आपने उंगली के बराबर रखा और 250-300 आ गए तो 300 फोन इससे चल जाएंगे, इतने पतले से। और आपने कितना मोटा पाइप डाला, रिलायंस वालों ने पता लगा इतना मोटा, उसमें बहुत सारे ये पड़े हुए हैं, 25-50 पड़े हुए हैं ऐसे ऐसे, बड़े हैं ग्रुप उनके अंदर, छोटे छोटे ऐसे पड़े हुए, उसके अंदर और महीन महीन पड़े हुए, तो एक साथ कितना चीज ट्रांसमिट कर सकते हैं, बहुत कुछ। समझ में आ रही है बात। दूसरी मजेदार बात, इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर करंट नहीं फ्लो हो रही, लाइट फ्लो हो रही। तो करंट से होने वाले हानि, डिसएडवांटेजेस के साथ नहीं, करंट से होने वाली डिसएडवांटेज क्या है, हीटिंग इफेक्ट, हीट नहीं होगा इसमें, क्योंकि लाइट कहीं जाए नहीं, टकरा टकरा के आगे बढ़ती जा रही है। और ट्रांसमिशन कहां से कहां तक कर सकते हैं, एक देश से दूसरे देश तक, इतना लंबा, क्योंकि एनर्जी लॉस ही नहीं हो रहा है ना, इतना कम लॉस है, इतना कम लॉस है कि बहुत दूरी तक एनर्जी लेके ट्रांसमिट कर रहे हैं। और पूरे आपने सुना होगा कि समुद्र मुद्र में सब में डाले हुए हैं लोग, जो भी बीच में पड़ता है, तो पूरी लाइन पड़ी हुई है, ऑप्टिकल फाइबर्स पड़े हुए, और वो हर इतने भरोसेमंद रहते हैं, जब तक टूटे ना कटे ना तब तक कुछ जल्दी काम होता नहीं। जो हम लोग के ऑप्टिकल फाइबर्स पड़े हुए हैं, जो कॉलोनी में रन किया हुआ है, जो खंभे पे ले गए हैं, वो ऑप्टिकल फाइबर, इसके साथ में दो वायर भी चलती हैं, वायर मतलब लोहे की, इसी के अंदर लगी रहती लोहे की तार, लोहे की तार समझते हैं, जिससे टूटे ना, क्योंकि ये तो टूट सकते हैं, कोई बदमाशी करे मोड़ दे मान लो कस के तो ब्रेक कर जाएगी, ये वायर लगी रहती है तो इससे टूटती नहीं है, जब कोई कसम ही काटेगा तो थोड़ी डाल जाएगा, नॉर्मल कंडीशन में नहीं टूटेगी, बात समझ में आ रही है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर में आप यूज कर सकते हैं इसका, ये क्या फिनोमिना पे बेस्ड है रिद्धि, TIR का फुल फॉर्म क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है निरुपमा, TIR कब होता है, बताओ भाई सोनम, TIR कब होता है, पहली शर्त डेंसर टू रेरर, अगर डेंसर टू रेरर नहीं हुआ तो क्रिटिकल से कितना बड़ा एंगल कर दीजिए कुछ नहीं होने वाला। तो फर्स्ट कंडीशन इज डेंसर टू रेरर, सेकंड इज क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना, ठीक है, ये बात भी आप समझ गए। अब हाँ, नहीं, इसकी दूसरी टेक्निक है, ये उस तरीके से नहीं बनते हैं कि आपने गांठ लगा दिया मोड़ दिया ना, जैसे आप जो पूछ रहे हैं, मेरे घर में भी जब कनेक्शन लगाने आया था तो एक मशीन लेके आते हैं, वो अच्छी खासी मशीन होती है, और उसको इसमें और दूसरा वायर लाके उस मशीन में प्रोसेस करते हैं 15-20 मिनट, तब वो जाके जुड़ते हैं। तो वो ऐसा नहीं कि वो छीला और मोड़ दिया, ऐसा नहीं कर सकते आप,
उसकी प्रॉपर एक टेक्निक है, मशीन है, उससे ही जोड़ाई चलती है, जोड़ा जा सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि जुड़ सकता है कि नहीं, तो जुड़ सकता है। लेकिन जुड़ सकने के लिए प्रॉपर मशीनरी है, प्रॉपर टेक्निक है उसकी। ऐसे नहीं कि बस छीला मोड़ दिया, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग अब इसके। अब देखिए, ये हम लोग अब मूव कर रहे हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूले की तरफ। लेकिन लेंस मेकर्स फॉर्मूले से पहले हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे थ्रू कर्व सर्फेसेस। तो जो कर्व सर्फेसेस होती हैं वो नॉर्मली दो तरह की होती हैं, लेकिन हम एक ही तरह की पढ़ेंगे। दो तरह की कौन सी होती है? एक होती सिलेंड्रिकल, जो लोग चश्मा पहनते हैं उनको इसका आभास शायद हो, मुझे है। इन लेंसेज, हमारे जो लेंसेज होते हैं इनमें सिलेंड्रिकल भी नंबर है मेरे में, और आप में से भी किसी में होगा, बड़ा नॉर्मल है, उनके भी है। तो वो सिलेंड्रिकल अलग होता है, स्फेरिकल अलग होता है। दो तरह के कर्व सर्फेसेस आते हैं। जैसे ये ले लीजिए सिलेंडर, अब अगर इसमें आप यहां से काट देंगे तो काटेंगे तो कर्व मिलेगा ना, ग्लास नुमा होता है, ऐसे मिलेगा कर्व ऐसे। तो ऐसे में क्या मिलेगा? लेफ्ट टू राइट तो कर्व है, ऊपर से नीचे कोई कर्व नहीं। दाएं बाएं जाएंगे तो कर्व मिलेगा, लेकिन ऊपर से नीचे आएंगे तो कोई कर्व नहीं है, वन वे कर्व है। समझ पाए? इसे बोलते हैं सिलिंड्रिकल स्फेरिकल शेप। और दूसरा होता है हमारा स्फेयर वाले में, जो आता है ये स्फेयर है, स्फेयर में ऐसे काट दीजिए, ऐसे काट दीजिए टुकड़ा, ये टुकड़ा जो निकला वो कैसे निकलता है? ऐसे लेफ्ट टू राइट भी कर्व रहता है, टॉप टू बॉटम भी कर्व रहता है, चारों तरफ कर्व रहता है। बात से बल्ले पड़ी? हमारे कोर्स में इसकी कहानी आगे पढ़ेंगे इंजीनियरिंग में आप, या और जो कुछ पढ़ेंगे आगे, समझे आप? इधर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो है इसको पढ़ना है, स्फेरिकल कर्वेचर को। इसकी पढ़ाई दो तरह से करते हैं हम लोग। एक तो पढ़ेंगे केवल एक सरफेस से रिफ्रैक्ट होने की बातें जो अभी करेंगे, फिर उसके बाद लेंस बन जाएगा जब दो सरफेसेस आ जाएंगी। तो जब लेंस बन जाएगा तो लेंस मेकर फॉर्मूला ड्राइव करना होगा। उससे पहले अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं कि अगर ये एक सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है तो इसमें V में U में क्या रिलेशन बनने वाला है। ठीक, तो इसमें रिलेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है अंशिका, देख रही हैं आप ठीक से? ये एक कर्व सरफेस ले ली हमने, आप कैसी भी ले सकते हैं, हम ऐसे लेके कर रहे हैं, ऐसा लेके करिएगा, बाकी कंडीशन बदलेंगी तो भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता, थोड़ा बहुत V U मिलाना रहता है बस। एक पॉइंट ले लिया हमने यहाँ पर जिसका हम लोग इमेज बनाएंगे, ये इधर से रे गई, एक रे हमने ऐसे निकाली, जो रे सीधे पड़ी ये पोल है, उस पोल पे वो सीधे निकल गई रे। ये सी है, इस सी से इसको मिला देंगे अगर आप, तो आपको मालूम है कितना बनाता है, 90। अब ये जो रे जा रही है इसे ओ कह देते हैं, इसे क्यू कह देते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें बात समझिएगा, यहाँ से O से Q पर रे गई और एक रे गई O से P वाली रे सीधे निकल गई, O से Q वाली गई, तो यहाँ स्फेरिकल सरफेस है ना, तो ये क्या है, डेंसर मीडियम है, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, यानी सीधे नहीं, ये सीधे नहीं जाएगी, बेंड होगी। बेंड होने में हो सकता है थोड़ी ही बेंड हो, अगर थोड़ी बेंड होगी तो इधर कहीं इमेज बन जाएगी, है ना, पीछे ट्रैक करेंगे इसको तो बंद आंख यहाँ लगानी पड़ेगी तो ये दिखेगा यहाँ मिल रही है। और अगर ज़्यादा बेंड हो गई तो बेंड होने में कहाँ जाएगी, ऐसे करके निकल जाएगी रे यहाँ पर, तो ये रे इधर से आ रही है, ये रे इधर से आ रही है। कई केसेस हो सकते हैं, हम लोग कौन सा केस सिंपल वर्जन ले रहे हैं जहाँ पर बेंड होके प्रिंसिपल एक्सिस में मिल जाती है, ऐसा भी हो सकता है या ना मिले, नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगी, पीछे मिलेगी, कहीं तो मिलेगी। तो वो सिंपल रखने के लिए हम लोगों ने कैसा माना है, इतना इसका डिविएशन हो गया, इतना बेंड हो गई कि यहाँ प्रिंसिपल एक्सेस पे आके रुकी नहीं, आगे मिलती चली गई। अब यहाँ पे अगर हमारी आँख है, ये हमारी आँख अगर है, ये अगर आँख है तो हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, हमें दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे इमेज बन रही, यही दिख रहा है। ठीक, आगे चलते हम लोग।
ये हमारी हो गई मीडियम नंबर, ये टू है और ये मीडियम नंबर वन है। ये मीडियम नंबर वन है रेयरर, ये कैसा है डेंसर, ये रे कैसी है रिफ्रैक्टेड, ये कैसी रे है इंसिडेंट रे। इस एंगल को ले लेते हैं अल्फा, इस एंगल को लेते हैं हम लोग बीटा, इसको लेते हैं गामा। ये एंगल कहाँ कहाँ से ले रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से ले रहे हैं, इंसिडेंट वाला एंगल, रिफ्रैक्टेड रे वाला एंगल और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन मिलाई है उसका वाला एंगल। ये डिस्टेंस कितना हो गया यहां से यहां तक यू, यहां से और ये पॉइंट हम पकड़ लें तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया वी, और यहां तक की बात करें तो ये कितना हो गया आर। ठीक है, इतना डायग्राम में हमारी बातें आई। अब देखिए ये अगर अल्फा है, ये एंगल कितना बना आई बना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्शन के बाद कौन सा आर आया, ये आर आया। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग और फिर देखते हैं क्या बात बनेगी। अब इसको प्रूफ करने में कुछ हम लोगों ने एजम्पशंस लिए हैं, कई चीजें मानी हैं। वो एजम्पशंस क्यों लिए गए हैं, जिससे हमारा ये प्रूफ सिंपल तरीके से हो जाए। तो पहला एजम्पशन क्या है, फॉर ऑल स्मॉल एंगल्स, फॉर ऑल स्मॉल एंगल्स साइन आई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू टेन आई, ये हम लोग लगा भी चुके हैं इन रेडियंस। पहला एजम्पशन, दूसरा एजम्पशन रेयरर मीडियम हमारा M1, डेंसर मीडियम हमारा M2, तीसरा एजम्पशन P एंड N, अनिमेश थोड़ा फोकस करो इधर, आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। और चौथा एजम्पशन एजम्पशन नंबर फोर, अल्फा बीटा गामा आर स्मॉल, वेरी स्मॉल, स्मॉल एंगल्स, एन ए नॉर्मल एन बना दीजिए आप, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया हमने और ये बन गया एन। ठीक, अब देखिए इसके आगे ये सारे एजम्पशन है, क्या एजम्पशन है, जब छोटे एंगल्स होते हैं तो साइन आई और आई या टेन आई बराबर होता है, रेयरर मीडियम डेंसर मीडियम पी एंड क्वाइट क्लोजर हैं, तो क्लोज हैं तो अभी एक ही मान लेंगे हम लोग, और अल्फा बीटा गामा जो एंगल्स बनाए हैं ये भी काफ़ी छोटे एंगल्स हैं। अब देखिए स्नेल्स लॉ से हम जानते हैं म्यू टू वन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, यानी म्यू टू अपॉन म्यू वन, ये बात हम जानते हैं। अब क्या है, नाउ वी कैन राइट दिस इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन आई बराबर आई तो लिख सकते हैं म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल टू आई अपॉन आर, क्योंकि साइन आई और आई बराबर है तो साइन आई की जगह हमने क्या लिख दिया आई और इसकी जगह आर, और इसको मल्टीप्लाई कर लिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन म्यू टू आर इज इक्वल टू म्यू वन आई। यहां पे ऐसा क्यों किया है, आई एंड आर वेरी स्मॉल, और ये हमारा आई आर हो गया और ये हो गया स्नेल्स लॉ बन गया हमारा, इस तरह के फॉर्मेट में स्नेल्स लॉ आया। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग।
अब देखिए इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ क्यू सी, इस ट्रायंगल में देखिए ओ क्यू सी, ओ क्यू सी, इस पूरे ट्रायंगल में ये आई एक्सटर्नल एंगल है, तो आई किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस गामा के। तो हमारा आई किसके बराबर, आई इज द एक्सटर्नल एंगल, तो आई हमारा बराबर किसके होगा, अल्फा प्लस गामा के, ठीक है। इसी तरह ट्रायंगल में आते हैं हम लोग, इन ट्रायंगल क्यू सी आई, क्यू सी आई, क्यू सी और आई, आई इमेज है ना, इसको ये पकड़ लो क्यू सी आई, दिस इज इमेज क्यू सी आई, तो क्यू सी आई, क्यू सी आई में गामा हमारा एक्सटर्नल एंगल है, तो गामा अगर एक्सटर्नल है तो गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, तो आर कितना हो जाएगा, गामा माइनस बीटा। तो एक तो हमें ये चीज मिली, एक ऊपर से ये दो रिलेशन हमारे सामने निकल के आए, ठीक है। और तीसरा रिलेशन हमारे पास क्या था, यहाँ से इक्वेशन नंबर वन से कह दीजिए म्यू टू आर, इस आर की जगह हमने क्या वैल्यू डाल दी, गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू म्यू वन, और आई की जगह वैल्यू डाल दी अल्फा प्लस गामा। ये अब इसको रीएडजस्ट किया तो इसकी वैल्यू आई कितनी, म्यू टू आर माइनस म्यू टू बीटा म्यू वन अल्फा प्लस म्यू वन गामा। अब हमने क्या किया, अल्फा बीटा एक साथ ले लिया, म्यू वन अल्फा प्लस म्यू टू बीटा, और ये वैल्यू क्या बन गई, आर लिया कॉमन, म्यू टू माइनस म्यू वन, ठीक है। अब देखिए फिर से आर अगर छोटा है तो आर हमारा टेन आर के बराबर भी हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर म्यू वन अल्फा प्लस म्यू टू बीटा इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन और टेन आर, क्यों, क्योंकि आर इज वेरी स्मॉल, बात समझ में आई ना। इसको फिर से हम लोगों ने क्या लिख दिया, टेन आर। अब देखिए ये आर है ना, ये आर कहाँ अल्फा है, ये अल्फा, सॉरी ये तो गामा है, तो गामा लेना है, ठीक, आर ना होके ये गामा इज ऑल्सो स्मॉल, ये गामा है, इस एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक। इसको लिख दिया टेन गामा। अब आगे चले अगर हम लोग, गामा क्या लिख दिया, तीनों को चेंज कर दो, बल्कि यहाँ पर लिख दो म्यू वन टेन अल्फा प्लस म्यू टू टेन बीटा इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन टेन गामा। तीनों एंगल छोटे थे, अल्फा बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल, ठीक है। अब उसके बाद हमने वैल्यू क्या रखी, इसकी वैल्यू डालो म्यू वन टेन अल्फा क्या हुआ, टेन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन ओ एन अपॉन सॉरी क्यू एन अपॉन ओ एन, म्यू टू टेन बीटा, टेन बीटा हो गया क्यू एन अपॉन एन आई, और म्यू टू माइनस म्यू वन, और ये वैल्यू है टेन गामा, तो क्यू एन अपॉन एन सी, ये वैल्यू हमने डाल दी यहाँ पर। अब देखिए क्यू एन क्यू एन क्यू एन तीनों में कॉमन है तो कैंसिल आउट हो गया, ये क्यू एन अपना हट गया, तो वैल्यू क्या बची है अपनी, म्यू वन अपॉन ओ एन प्लस म्यू टू अपॉन एन आई इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन एन सी, ठीक। अब विथ साइन वैल्यूज डाल देते हैं, नौ
पुटिंग वैल्यूज विथ साइन, वैल्यूज का मतलब यू वी के टर्म में डालने वाले हैं, तो म्यू वन अपॉन माइनस यू, ठीक बोला आपने, फिर म्यू टू अपॉन एन आई क्या बना, एन आई की वैल्यू हो गई वी प्लस का म्यू टू माइनस म्यू वन, और एन सी क्या हो गया आर प्लस का, ठीक है। और ये वैल्यू जो बनी हमारी, अब हम क्या करते हैं इसको अलग अलग करके लिख लो, यानी बना म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, ये एक फॉर्मूला आपका निकल आया। स्फेरिकल सरफेस से जब भी रिफ्रैक्शन होगा तो ये फॉर्मूला आपके काम आएगा। अब देखिए इस फॉर्मूले में कुछ वेरिएशंस आपसे पूछे जा सकते हैं, हो सकता है ये जो कट सरफेस ऐसी है ना, हो सकता है वो कट सरफेस कैसी बना दें, ऐसी बना दें, तो बस यू वी आर ही चेंज होंगे और कुछ नहीं होगा। अगर मान लीजिए वी इधर है तो हो सकता है इसका डायग्राम इधर बन जाए, उस हिसाब से आप बना दीजिएगा। जैसे कि ऐसी सरफेस की आप बात करें, अगर इस तरह की सरफेस आप ले सकते हैं, इस तरह अगर बना हुआ है तो क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट से रे गई और कैसी गई, ये नॉर्मल है, ये डेंसर है, ये रेयरर, तो क्या होगा नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, तो ये जाना ऐसी थी लेकिन ऐसे घूम गई ऐसे, और इसको पीछे बैक ट्रैक कर दिया तो आई बन गया। अब हमारे लिए ये बन गया यू, ये बन गया हमारे लिए वी, और ये हमारे लिए बन गया आर। हाँ, मतलब जो साइन लगाएंगे यू वी आर ना, अंत में ऐसा एडजस्ट होगा कि यही फॉर्मूला मिलेगा आपको। मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें वैल्यू डालेंगे तो साइन डालेंगे, जैसे ये प्रूफ करने चले, हम बात ये बता रहे हैं इसकी प्रूविंग की, बाकी जिसका जो साइन हो तो डालेंगे इसकी प्रूफ। जिसकी आप ऐसा सोच सकते हैं ना कि सर ने तो ऐसा कर्वेचर लिया है, मान लीजिए ऐसा कर्वेचर एग्जाम में बता दे कि ऐसा प्रूफ करो, या आपके सामने सवाल आ जाए तो ये लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, तो आंसर है लगाएंगे। अगर ऐसे में प्रूविंग दे देगा, मेथड यही है, कॉन्सेप्ट यही है, बस उसमें यू वी आर बदल जाएगी। तो जब आप करते करते सॉल्व करते करते आगे पहुंचेंगे, यू वी आर रखेंगे तो अपने हिसाब से ऑटो एडजस्ट हो जाएगा और आंसर क्या मिलेगा, यही मिलेगा। चाहे ये डायग्राम मिले तो भी यही मिलेगा, ये मिला तो भी यही मिलेगा, और कोई डायग्राम मिल जाए कि यहां की जगह यहां नहीं बनी, इमेज पीछे बन गई, तो भी यही मिलेगा। हमने बताया था ना कि हो सकता है कम मुड़े, कम मुड़ेगा तो यहां इमेज नहीं मिलेगा, ऐसा मन में आपके आ सकता है ना कि सर कम मुड़ी, मुड़ सकती है कम, तो नहीं आएगा, तो इधर पीछे बनेगा या आगे बनेगा, तो जब आगे बनेगा तो भी यू वी आप उसी तरह मान लीजिए, आंसर ही सब बदल जाएगा, अल्फा बीटा इधर आ जाएगा जहां भी आना है, तो चीजें उसी तरह से रीएडजस्ट हो जाएंगी। बात पकड़ पा रहे ना क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं हम? ये प्रियांशु क्या पढ़ा हमने, है क्या ये? हाँ, ये रिलेशन देखिए, तो हमारा रिलेशन यू वी आर में रिलेशन है। ये कब की कहानी का रिलेशन है? जब स्फेरिकल रिफ्रैक्शन हो रहा है, केवल एक 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 साइड पर ही हमने रिफ्रैक्शन कराया, ये ग्लास पूरा भरा हुआ है, ग्लास के बाद एयर नहीं मिली, मान लो ये एयर है रेयरर, तो ये ग्लास भरा हुआ है, यहां रिफ्रैक्शन करा रहे, वन फेस रिफ्रैक्शन करा रहे। अंशिका समझ में आ रही है बात? ये क्या कहानी है, वन फेस रिफ्रैक्शन वाली, स्फेरिकल रिफ्रैक्शन, प्लेन तो नहीं। उसके लिए फॉर्मूला आ गया म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। अच्छा, आप कहीं कहीं ऐसा होता है कि डेंसर और रेयरर को अदला बदली कर देते, तो फॉर्मूला में अदला बदली कर देंगे। हमने क्या अजम्पशन लिया, क्या करके सवाल किया है कि हमारा एम टू डेंसर, एम वन रेयरर है। अगर क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि साहब ये हमारा डेंसर है, ये रेयरर है, तो जहां म्यू टू लिखा है, म्यू टू पहुंच जाएगा यहां, ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा उस समय,
उस समय बन जाएगा म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू टू अपॉन यू और म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर। कब बन जाएगा? जब मीडियम अदला बदली कर लेंगे। तो यहां भी अदला बदली कर देंगे हम लोग। बात पूरी तौर पे पकड़ में जा रही है नहीं जा रही? चलो ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखेंगे। इसके बाद एक फॉर्मूला आता है बड़ा, उसका प्रचलित नाम है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इसी से उसका डेरिवेशन बनेगा। तो नेक्स्ट टाइम पे लेंस मेकर्स फॉर्मूला हम लोग डराइव करेंगे। लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि जब हम लोग चश्मे की दुकान पे जाते हैं, वहाँ नंबर चेक करा के, डॉक्टर से नंबर चेक करा के कहते बनाओ चश्मा, तो वो कैसे बना दे उस पावर का? बना देते ना, अगले दिन कहते ले जाइए मैडम, ले जाइए सर आप, तो कैसे बना देते हैं? उसी फॉर्मूले से वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तो बेस पढ़ रहे हैं हम लोग, मशीनें आ गई, इसमें वैल्यू डालते, खट से स्फीयर बना देता है, ग्लास डालिए बन के तुरंत तैयार। इट हार्डली टेक्स सम मिनट्स। लेकिन उसको पता तो चलना चाहिए ना कि कितना कितना स्फीयर, कितना कर्वेचर देना है, और कर्वेचर के साथ जो मटेरियल डाला वो मटेरियल के हिसाब से कर्वेचर रहता है। मटेरियल चेंज किया, अच्छी क्वालिटी का ग्लास है या कम क्वालिटी का ग्लास है, उस पर भी डिपेंड करता है। बात समझ पा रहे हैं? तो लेंस मेकर फॉर्मूले में तब डिस्कशन करेंगे हम लोग, लेकिन आज जो चीज़ पढ़ी आपकी समझ में आनी चाहिए। निरूपमा ये क्या पढ़ा, किसमें, किस कॉन्टेक्स्ट में, ये किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा सोनम? क्या है ये? रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। एक ही सरफेस से ही बात कर रहे हैं हम, दो सरफेस करेंगे। वैसे तो अगर इसके बाद फिर से हमारा एयर आया था तो क्या बन जाता लेंस? अभी ये लेंस नहीं है, क्योंकि हमने बात ही नहीं की। हमने तो कहा यहाँ वो पूरा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ग्लास लगा हुआ है, पूरा ग्लास। बात समझ में आ रही है? अगर ग्लास के बाद यहाँ काट दे फिर से एयर कर देंगे तो लेंस बन जाएगा। तो लेंस की बात नहीं की अभी हमने, किसकी है? एक स्फेरिकल सरफेस से, कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन की बात। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं।